हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पिछले एक वीडियो में हमने नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की परिभाषा और उसके परिचय को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष आयनिक ठोसों में देखने को मिलते हैं और जब किसी आयनिक क्रिस्टल में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होता है तो उसके बाद क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाती है, अर्थात बिगड़ जाती है। इसलिए इस दोष को हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि जब क्रिस्टल में धातु आयनों की अधिकता हो जाएगी तो उसको कहेंगे धातु आधिक्य दोष, और जब क्रिस्टल में धातु आयनों की कमी हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे धातु न्यूनता दोष। क्रिस्टल में धातु आयनों की अधिकता या कमी जो कुछ भी हो, इसके बाद क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाती है, इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। यदि हम बात करें धातु आधिक्य दोष की, तो क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। इस प्रकार के दोष में कुछ ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिससे उनकी स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न होगी, जिसको हम कहेंगे ऋणायनिक रिक्तिका। और आप जानते हैं जब ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे तो धनायनों या धातु आयनों का अनुपात अपने आप बढ़ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायन के बाहर चले जाने पर जो ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होती है, उस स्थान पर बाद में इलेक्ट्रॉन आकर क्रिस्टल को उदासीन करते हैं। इस कारण को, यानी कि ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष को, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से और बहुत ही गहराई से आपको एक्सप्लेन किया है। तो यदि आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा कारण है वह अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। इसमें क्या होगा कि कुछ अतिरिक्त धनायन होंगे जो क्रिस्टल के अंतराकाश में आ जाएंगे, जिससे कि क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। और आज के इस वीडियो में हम इस दूसरे कारण को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम हेडिंग लगा देते हैं, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। इस प्रकार का धातु आधिक्य दोष जिंक ऑक्साइड में देखने को मिलता है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो आगे इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल लेंगे। यदि इस क्रिस्टल को आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आयन है या आप कहें जो अवयवी कण हैं, इनकी एक आदर्श व्यवस्था दिखाई दे रही है, मतलब सब अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित है, अर्थात अभी इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है। आप जानते हैं कि जिंक ऑक्साइड एक आयनिक ठोस है, तो यहाँ पे हमने आयनों को दिखाया है। यदि अभी इस क्रिस्टल में हम इन आयनों के अनुपात को देखें तो सबसे पहले हम इनकी संख्या देखें, तो जिंक आयन की संख्या 10 है और ऑक्साइड आयन की संख्या भी 10 है। और यदि इनके अनुपात को निकालें तो हमको अनुपात प्राप्त होता है जिंक आयन अनुपात ऑक्साइड आयन बराबर 1:1। लेकिन यदि किसी कारण से इसके अंतराकाश में, मतलब ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है रिक्तिका, इसी को हम अंतराकाश कहते हैं, इसके अंतराकाश में कोई बाहर से या कहीं से एक जिंक आयन आ जाए तो क्या होगा? तो देखिए, इसके आने के बाद क्या हुआ, जिंक आयन जो पहले 10 थे अब उसकी संख्या बढ़ के 11 हो गई, और ऑक्साइड आयन जो 10 थे वो 10 ही हैं। और अब अनुपात यदि हम निकालते हैं जिंक और ऑक्साइड आयन का, तो हमको अनुपात में मिलता है 11:10 का, जो कि पहले 1:1 था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनुपात बदल गया, अर्थात क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री बिगड़ गई।
तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जिंक आयन के अंतराकाश में आने के वजह से क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री बिगड़ गई है। तो इसको तो पहली बात हम कहेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और दूसरी बात हम इसको कहेंगे धातु आधिक्य दोष, क्योंकि यहाँ पे धातु आयन की अधिकता हुई है। अधिकता कैसे हो रही है? तो अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से। तो इसको हम कहेंगे अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि किसी भी आयनिक ठोस में जब दोष उत्पन्न होते हैं तो उसकी विद्युत उदासीनता पे कोई प्रभाव नहीं होता है। अभी यदि इस क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पे जो जिंक आयन अधिक हुआ है इसके वजह से ये क्रिस्टल धनावेशित हो चुका है। आप देखिए धनायनों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ऋणायनों की संख्या कम हो गई है, अर्थात क्रिस्टल धनावेशित हो गया है। तो इस धनावेश को संतुलित करने के लिए इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन भी आएंगे जो धनावेश को संतुलित करके पुनः क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करेंगे। आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्रिस्टल में क्रिस्टल के गुणों में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक मुख्य परिवर्तन होता है कि क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जब शुद्ध था यानी कि उसमें आदर्श व्यवस्था थी तो वो सफ़ेद रंग का दिखता है, लेकिन इस दोष के उत्पन्न होने के बाद इसका रंग सफ़ेद से पीला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रंग परिवर्तन हमको देखने को मिला। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि कहाँ से ये जिंक आयन आता है, कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड के एक क्रिस्टल को लिया है। अब इस क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं। जब क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो जो ये ऑक्साइड आयन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देता है। आप जानते हैं कि जब गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं आयनों से या परमाणुओं से। तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दो माइनस के रूप में हैं ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर इस क्रिस्टल में विसरित हो जाते हैं और इसके अंतराकाश में पहुँच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकल के पहुँच गए अंतराकाश में। अब जो ऑक्साइड आयन था वो बन जाएगा ऑक्सीजन। तो देखिए ये ऑक्सीजन बन गया है। इसके साथ ही ये जो जिंक आयन है गर्म करने की वजह से ये भी यहाँ से इस क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाएगा। तो देखिए ये जिंक आयन चला गया तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पे जो जिंक आयन था वो यहाँ पे पहुँच गया है। इसके साथ ही मान लीजिए कि यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्साइड के निकलते हैं और ये भी अंतराकाश में चले जाएं, तो दो इलेक्ट्रॉन और गए और साथ में ये जिंक आयन भी जाएगा। जो यहाँ पे आपको जिंक आयन दिखाई दे रहा है ये भी इस अंतराकाश में चला जाएगा। तो आप जानते हैं ऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और ये जो जिंक है ये भी अंतराकाश में चला जाएगा। तो यहाँ से भी ये जिंक हट जाएगा। ये जो ऑक्सीजन परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं ये O2 बन जाएंगे और ये ऑक्सीजन गैस बन जाएंगे और गैस के रूप में ये क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे। इसके बाद क्रिस्टल कुछ छोटा हो जाएगा, मान लीजिए इतना बड़ा हो गया। तो बात समझ में आई होगी आपको कि जब हमने गर्म किया तो ऑक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकल के क्रिस्टल के अंतराकाश में चले गए, फिर उसको संतुलित करने के लिए जिंक आयन भी चले गए, जो ऑक्सीजन बन रहे थे वो ऑक्सीजन गैस के रूप में क्रिस्टल से बाहर चले गए और क्रिस्टल थोड़ा सा छोटा हो गया, इस प्रकार का हो गया। अब यदि यहाँ पर आप देखें तो जिंक आयन अंतराकाश में आ चुके हैं यानी कि इस क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो चुका है और उदासीन करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आ चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिंक ऑक्साइड में ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कैसे होता है। तो ये तब उत्पन्न होता है जब जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं। वीडियो में आप आगे बने रहिए ताकि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस बात को हम इक्वेशन से लिखेंगे, समीकरण से लिखेंगे। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पर रंग भी परिवर्तित होगा। अब समीकरण लिखते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड आयनित हुआ। यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है गर्म करने की वजह से ये O2 में कन्वर्ट हुआ और इससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अब यदि इन दोनों समीकरण को जोड़ें तो एक साधारण सा समीकरण हम लिख सकते हैं। देखिए ऑक्साइड आयन से ऑक्साइड आयन कैंसिल हो गया और हमको समीकरण मिला जिंक ऑक्साइड जिसको हमने गर्म किया। यहाँ पे आप ऐसा डेल्टा बना सकते हैं, गर्म किया तो जिंक आयन मिला, ऑक्सीजन मिला और दो इलेक्ट्रॉन बने। जो ये ऑक्सीजन था ये क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा क्योंकि ये गैस है, ये उड़ जाएगी
और बाकी ये जो जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन है ये फिर क्रिस्टल के अंतराकाश में विसरित हो जाएंगे यानी डिफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थलों पर आ जाने से धातुवाधिक के दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पे यदि हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो हम लिखेंगे जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जिसके बाद कुछ जिंक आयन तथा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंतराकाश में आ जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में धातु अधिक के दोष क्रिस्टल में धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है जिसे अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से उत्पन्न धातु अधिक के दोष कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस प्रकार के धातुवाधिक के दोष उत्पन्न होने के लिए कुछ कंडीशन है उसको हम देखते हैं। अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातुवाधिक के दोष वे आयनिक क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिनके धनायनों का आकार काफी छोटा होता है, जैसा कि आपने फ्रेंकल दोष में भी पढ़ा था। तो अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थल पर आने से ये जो धातुवाधिक के दोष उत्पन्न हो रहा है यह ऐसे आयनिक ठोसों में मिलता है जहाँ पे धनायन का आकार काफ़ी छोटा हो। आप जानते हैं जिंक आयन का आकार काफ़ी छोटा होता है क्योंकि ये डी ब्लॉक की एक सीरीज के लास्ट में होता है, और ऐसा ही आपको फ्रेंकल दोष के लिए भी कंडीशन था। लेकिन फ्रेंकल दोष और ये धातु अधिक के दोष ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि फ्रेंकल दोष में जो धातु आयन थे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो इनके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न होती थी, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन की किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती थी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंकल दोष और ये जो धातु आधिक्य दोष है ये अलग अलग है। यहाँ पर धनायन के क्रिस्टल के अंदर जाने के बाद कहीं कोई रिक्तिका नहीं उत्पन्न होती है बल्कि उतना हिस्सा ही कम हो जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को भी आना पड़ता है ताकि वो आवेश को संतुलित कर पाए। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से जिंक ऑक्साइड के गुणों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा उसको देखिए। जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन आने से इसका रंग सफ़ेद से पीला हो जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पे कारण क्या है रंग बदलने का। तो आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और जब वे सामान्य अवस्था में वापस आते हैं तो विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की विकिरण का उत्सर्जन करते हैं जिससे क्रिस्टल रंगीन दिखता है। ये आपने बोर मॉडल में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो जितनी ऊर्जा का उन्होंने अवशोषण किया था उसको एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और इन्हीं विकिरण या आप कहें रेडिएशन की वजह से क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्रिस्टल अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं क्रिस्टल में तो क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। तो ये कुछ गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है इस धातु अधिक के दोष उत्पन्न होने के बाद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है आपसे, इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है परंतु गर्म करने पर यह पीले रंग का हो जाता है, कारण बताइए। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट करूं तो आप जानते हैं कि जब कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड था तो उसमें दोष नहीं था, लेकिन जब आपने गर्म किया तो उसमें धातु अधिक के दोष उत्पन्न हुआ और वहां पर इलेक्ट्रॉन भी आए जिसकी वजह से उसमें रंग परिवर्तन देखने को मिला और उसका रंग पीला हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा। वीडियो यदि आपको लाभ पहुंचाती है, आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें ताकि दूसरे को भी इससे लाभ हो पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।